जय माता रानी। दोस्तों मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? हमेशा की तरह माता रानी का जयकारा लगाइए। आप सबके इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आई हूं रविवार के व्रत की विधि, जिसे हम इतवार का व्रत, संडे का व्रत भी कहते हैं। इसे करने से सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है और जीवन में मिलता है मान सम्मान, कई तरह के फलों की प्राप्ति होती है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप सबके सवाल आते रहते हैं कि दीदी हमें रविवार या इतवार का व्रत करना है, कब से व्रत शुरू करें, कितने व्रत रखें, व्रत के दिन में क्या भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, और साथ ही साथ संडे के व्रत को जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का दान देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, सारी बातें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। यानी रविवार का व्रत यदि अभी तक आपने नहीं करा है या आप कर भी रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे आपको मिलेगी ज्योतिषीय सलाह, पूजा पाठ की जानकारियाँ, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी जानकारी एकदम निःशुल्क में। और आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम झटपट वीडियो शुरू कर लेते हैं। रविवार का व्रत, संडे का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो इसे करने से आपको किस तरह के फल की प्राप्ति होगी, हम सभी जानना चाहते हैं ना। कोई भी व्रत हम करते हैं तो कई बार हम अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए व्रत करते हैं। नौकरी मिलती है, संतान का सुख मिलता है, जीवन में आरोग्यता आती है, कुष्ठ रोग यानी शरीर की अगर आपको चमड़ी पे कोई रोग हो जाते हैं वो रोग दूर होते हैं, अस्थि से जुड़े हुए रोग यानी हड्डियों के रोग दूर होते हैं, और सूर्य मजबूत होने से दोस्तों मान सम्मान मिलता है। कई लोग जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जीवन साथी मान सम्मान नहीं देता, आप सूर्य का व्रत या संडे का व्रत करके देखो, अच्छे से अच्छा परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अब झटपट शुरू कर देते हैं व्रत की डिटेल्स। आपको व्रत कब से शुरू करना है? आपको यह व्रत शुरू करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे से या पहले रविवार से आपको इस व्रत को शुरू करना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुक्ल पक्ष नहीं पता होता, तो शुक्ल पक्ष यानी दोस्तों जब अमावस्या यानी जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, उसके बाद जो भी पहला संडे आएगा उसे हम शुक्ल पक्ष का पहला रविवार बोलेंगे, तब से आपको रविवार का व्रत शुरू कर देना है। और दोस्तों किस संख्या में ये व्रत करने हैं, तो यदि आप लंबे समय व्रत करना चाहते हो तो आप एक साल तक संडे का व्रत कर सकते हो। कम समय व्रत करना चाहते हो तो या तो आप 12 की संख्या में ये व्रत रख सकते हो या 30 की संख्या में। इस तरह से व्रत रखने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यानी कम से कम यदि आप व्रत रख रहे हो तो आपको कम से कम 12 संडे का उपवास या 12 रविवार का उपवास रखना चाहिए, जिससे कि आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो और आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाए। दोस्तों सूर्य ग्रह कब कमज़ोर होता है ये आप बेसिकली अपनी कुंडली दिखा के जान सकते हो, या आपके जीवन में जिस तरह की परेशानियां मैंने बताई वैसी अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसके निवारण के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हो। अब हम व्रत की विधि की बात कर लेते हैं। तो जो लोग भी संडे का उपवास कर रहे हैं उन्हें संडे या रविवार के दिन बिल्कुल आलस नहीं करना है। दोस्तों सुबह सुबह 8 बजे से पहले आपको हर हाल में रविवार के व्रत की पूजा कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं ये वीडियो बाहर शूट कर रही हूँ, अभी जस्ट सुबह के 7 बजे हैं और सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो इसी तरह जब सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश रहता है, क्योंकि जो बाल सूर्य होता है जब आप उससे कोई प्रार्थना करते हो तो बच्चे हमारी बात जल्दी मान जाते हैं ना, तो उसी तरह से बाल सूर्य से जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपना मनोरथ बताते हैं, तो वो भी हमारी बात जल्दी मान जाते हैं और हमें यथा योग्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों सुबह के समय जल्दी उठ के जिस दिन पहले रविवार पे आप व्रत शुरू कर रहे हैं, केवल पहले ही रविवार पे आपको संकल्प लेना है। जो भी आप संख्या डिसाइड करना चाहें, जैसे या तो एक साल 30 या 12 रविवार, आप उतनी संख्या बोल के हे भगवान हम आपका व्रत कर रहे हैं। हाथ में ले लीजिए थोड़े से चावल, रक्त चंदन दोस्तों मार्केट में मिलता है ये ले आइएगा, और इसके अलावा लाल रंग का पुष्प ये ले आइएगा। तो ये सभी चीज़ें आप अपने हाथ में ले कर संकल्प करिए, हे भगवान हम आपके इस संख्या में, जो भी आप संख्या बोल रहे हैं इतने व्रत करेंगे, आप हमारे व्रत को सफल करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा कह के भगवान पे ये आप
जो सामग्री है अर्पित कर दें। अब हम सभी के मंदिरों में सूर्य देव की फ़ोटो नहीं होती है, तो आप भगवान भोलेनाथ के सामने इनको सामग्री को आप अर्पित कर सकते हैं। और संडे के दिन आपको विशेष तौर पर सूर्य पूजन करना है। सूर्य पूजन करने के लिए आप एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भर लें और तांबे के लोटे में डालें थोड़ा रक्त चंदन, थोड़े से अक्षत, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, लाल रंग के फूल। दोस्तों लाल रंग का गुड़हल का जो फूल होता है वो इस दिन पर पूजा में उपयोग में लाना चाहिए, या फिर लाल रंग का गुलाब। लाल रंग का गुलाब भी विशेष फलदायी होता है, सूर्य पूजन के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। इससे पूजा करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप लोटे में ये सभी चीज़ें डाल लें और अपने छत पर या जहाँ भी आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं वहाँ ले आएँ। वहाँ पे एक परात रख लें बड़ी सी, सूर्य भगवान की स्तुति कर लें। सूर्य भगवान के जो 12 नाम होते हैं आप उनका पाठ कर सकते हैं और इससे साथ स्तुति करते हुए आप सूर्य भगवान को जल दें, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। दोस्तों सूर्य को देखना नहीं चाहिए बल्कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर जा रहा है और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यदि आपके पास रविवार के व्रत की कथा है तो आप वो कथा पढ़ सकते हैं। वहीं पर आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक के चारों तरफ एक कांच का कुछ कवर लगा लीजिएगा जिससे कि दीपक बुझे नहीं, वरना आप अपने पूजा के मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित करके रविवार के व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछेंगे। तो दोस्तों प्रसाद में हो सके तो गेहूं के आटे का हलवा, सीरा भी बोलते हैं इसे, गेहूं के आटे का हलवा बना के चढ़ाइए, जिसे कढ़ा प्रसाद बोलते हैं जब इसे हम गुरुद्वारों में खाते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण को बहुत ही प्रिय है, तो ये प्रसाद आप इस दिन पर चढ़ाइए। और इसके अलावा आप भगवान सूर्य की वंदना करने के लिए हरिवंश पुराण को इस दिन पाठ कर सकते हैं और भगवान सूर्य की भक्ति भाव के साथ पूजा करिए। और दिन भर सूर्य ग्रह के मंत्र का मानसिक जप आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पहला मंत्र है ओम हाम हीम होम सह, ये सूर्य ग्रह का बीज मंत्र है। ओम सूर्याय नमः, ओम ग्रीम सूर्याय नमः। इनमें से दोस्तों किसी भी एक मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे इसका आपको दिन भर जप करना चाहिए। मानसिक जप करने से आपको सूर्य ग्रह की शक्तियाँ ज़रूर प्राप्त होती हैं। पूजा के अंत में दोस्तों आपको हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि हमसे कोई गलतियाँ त्रुटियाँ हो गई है तो उन्हें क्षमा करें और हमारी पूजा अर्चना ग्रहण करें। तो दोस्तों इस तरह से भक्ति भाव के साथ आप इस दिन पूजन करिए। इस दिन पर आप हो सके तो लाल रंग के अंतःवस्त्र यानी अंदर के कपड़े पहनिए, बनियान पहनिए या इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और इसके बाद आप जब पूजन कर चुके हैं तो आप दिन भर में किसी के भी साथ पर निंदा नहीं करें, झूठ मत बोलिए, कोई भी बुरे व्यवहार मत करिए। आप जब भी रविवार का या संडे का फास्ट रखते हैं तो आपको इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रविवार के व्रत, ये दोस्तों कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत में कभी भी पान नहीं खाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत नष्ट हो जाता है और आपको इसका पूरा फल नहीं मिलता। तो दोस्तों रविवार के व्रत में इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब क्या खाना चाहिए, रविवार के व्रत में आप गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी खा सकते हैं, गेहूं का दलिया खा सकते हैं और गेहूं के आटे का हलवा खा सकते हैं। तेल और नमक नहीं खाते हैं दोस्तों, तो पराठा मत बनाइएगा तेल का, बनाएं तो घी का बनाइएगा। तेल और नमक रविवार के व्रत में नहीं खाना है। और दोस्तों आप जो भी खाना बनाएं उसे पहले कुछ छोटे बच्चों को दे दें, कुछ आप उसमें से दूसरों के लिए निकाल दें, उसके बाद इस भोजन को ग्रहण करें। भोजन आपको दोस्तों जब आकाश में सूर्य रहे उसी समय में खा लेना है, सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना है। यदि किसी कारण से सूर्य अस्त हो जाता है तो आप भोजन अगले दिन ग्रहण करेंगे जब अगला दिन हो जाएगा, क्योंकि ये व्रत सूर्य उदय से लेके अगले दिन के सूर्य उदय तक होता है, यानी रविवार के सूर्य उदय से लेके जब सोमवार का सूर्य उदय रहेगा तब तक इस व्रत को करा जाता है। तो आप जो भी भोजन ग्रहण करें वो सूर्य के आकाश में रहते हुए कर लें। इन नियमों का पालन करते हुए आपको भक्ति भाव के साथ अपने रविवार के सभी उपास करने हैं। जब आपके उपास पूर्ण हो जाएं तो दोस्तों कई लोग आखिरी रविवार के दिन पर भी उद्यापन कर लेते हैं, और वैसे मैं सलाह देती हूँ कि जब आपके पूरे व्रत पूर्ण हो जाए तो उसके बाद जो अगला रविवार आए, जैसे अगर आप 12 व्रत कर रहे हैं तो आप 13वें रविवार को इसका उद्यापन करें। उद्यापन के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गेहूं, लाल कपड़ा या जो भी सूर्य से संबंधित वस्तुएं हैं आप उन सबको ला कर दें, और थोड़े से रुपये इसमें साथ में रख कर आप घर पर हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाएं, उनसे हवन करा लें। हवन में दोस्तों आँख की लकड़ी या
आंकड़े की लकड़ी की संविधा का उपयोग करना चाहिए, गेहूं के आटे का हलवा बनाना चाहिए और आप जो ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं उनको भोजन करा के इस दिन पर लाल वस्त्र दें और गेहूं का दान करते हुए अपने व्रत को परिपूर्ण करें। ऐसा करने से आपके सूर्य को बल मिलता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, मान सम्मान मिलता है। तो दोस्तों आप सभी का रविवार का व्रत भली भांति पूर्ण हो, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, तो आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाती है, कई तरह की कष्टों से या फिर मुसीबतों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ रविवार के इतवार के व्रत की ये विधि सब विस्तार जो मैंने आपको बताई है आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिए। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।